जैसा कि आपके में है कि पिछले दिनों से पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक एडवर्टीजमेंट हुई जिसमें थाउजेंड्स की तादाद में टीचर्स के लिए वैकेंसीज थी, जिसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और एसएसटी, जिसे पहले एचएसटी कहा जाता था, उसकी वैकेंसीज थी। इन वैकेंसीज की तादाद 680 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की थी, जिसमें उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात के लिए थी। इसके अलावा एसएसटी की 2315 वैकेंसीज हैं। फिर ग्रेजुअली उसको यानी कि फर्दर जो है उसको मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मेल फीमेल, इसी तरीके से अर्बन रूरल और डिवीजन वाइज इसको डिवाइड किया गया है। उसकी डिटेल आप लोग एडवर्टीजमेंट में जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप इसमें किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग इसके अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, और इसी तरीके से ये कि ये इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि अक्सर लोगों को प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो मेहनत उनकी ज़ाया चली जाती है। तो इस वीडियो में लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि आप प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे। तो पहले ये जानते हैं कि इसको मैं आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अप्लाई करने के लिए इसका सबसे पहले आप चालान एसपीएससी की वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे और उसका प्रिंट ले लेंगे और उसको नेशनल बैंक की किसी ब्रांच में जमा करा देंगे। जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद आप उस पर एसपीएससी की वेबसाइट पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट है तो आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर दीजिएगा जिसके लिए आप खुद को एलिजिबल समझते हैं। इसमें एसएसटी की भी दो कैटेगरीज हैं, साइंस कैटेगरी और एक जनरल कैटेगरी। तो इसके अप्लाई कर लेने के बाद आपको अगर किसी एक कैटेगरी में मुख्तलिफ जॉब्स हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको एक ही चालान भरना होगा। आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं या उसमें आपको एक अलग अलग वाउचर भरने की, अलग अलग चालान की जरूरत नहीं होगी। अब हम जानते हैं कि कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं या इसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। तो इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि एसएसटी के लिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, बीएससी, बीए, बीकॉम वगैरह, और इसी तरीके से सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में मास्टर्स होना जरूरी है। सिंध के रहायशी जिनके पास सिंध का डोमिसाइल हो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो एज लिमिट है वो 21 से लेकर 30 साल तक है। कुछ जो लोग ये समझते हैं कि उनकी एज लिमिट से बाहर हो गए हैं, एज ज़्यादा हो गई है, तो इसमें जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक जनरल एज रिलैक्सेशन का नोटिफिकेशन आता है, जो लास्ट इशू हुआ था, जिसकी मयाद 30 जून को ख़त्म हो चुकी है, 30 जून 2022 को। लेकिन उम्मीद है कि जल्दी इसका नया नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फिलहाल अभी आप अप्लाई कर दीजिए, मैं ही सजेस्ट करूंगा, और उसके बाद होपफुली उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अच्छा, ये मेरिट के ऊपर जॉब्स होती हैं, क्योंकि टीचिंग की, लेक्चरर की, चाहे किसी भी प्रोविंस में हो, वो मुख्तलिफ जैसे कि एसपीएससी, आईबीए, एनटीएस, डिफरेंट चीज़ों से इदारों से इसको इवेल्युएट कराया जाता है, कंडक्ट कराया जाता है, और ये मेरिट पे होती है। पिछले 15-20 सालों से मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है कि ये मेरिट पे कंडक्ट होती रही है। और आप अपने इर्द गिर्द भी देखें तो बहुत सारे आपके दोस्त और अजीज वगैरह जो है वो टीचर्स सिलेक्ट हुए होंगे इसी प्रोसेस के जरिए से। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी प्रिपरेशन आप कहाँ से करेंगे। प्रिपरेशन करने के लिए मैं ना कोई बुक सजेस्ट करूंगा, ना कोई वीडियो सजेस्ट करूंगा, ना कोई पास्ट पेपर, क्योंकि अगर कोई भी आप बुक स्टडी करें, कितनी देर आपको वो चीज़ याद रहेगी, और उसको पढ़ना, याद रखना काफ़ी एक मुश्किल अमल हो जाता है। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट स्कूल में, कोचिंग में, ट्यूशन में टीच करना शुरू कर दें। जितना ज़्यादा हो सकता है वो टीच करें। उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड मैट्रिक और इंटरमीडिएट की आप बुक्स को टीच कर लीजिए। जब आप वो अच्छे तरीके से सिलेबस कोर्स पढ़ा लेंगे तो समझ लें कि आपकी प्रिपरेशन हो गई, और वो आपको याद भी रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसान की लर्निंग पढ़ाने में होती है, और ये इसके प्रिपरेशन का सबसे बेस्ट फेयर होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दूसरे कैंडिडेट से भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।